सरकारी कर्मचारी तो रहेंगे ही, इसमें हम समाज को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति गांव के हैं, पड़ोस के हैं, कुछ जो उसमें काम करेंगे, कुछ तो भक्तिभाव से सेवा भाव से तैयार हैं, रोजी रोटी भी उनको साथ साथ मिले उसमें, तो वो उसकी सेवा करके गायों की सेवा भी करेंगे, उनकी फिर हम चिंता भी करेंगे ताकि गाय संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। गौशालाएँ जब बनती हैं तो व्यक्तियों के रहने के स्थान भी बनाए जाते हैं, उनको समय पर पानी दे पिलाना है, समय पर उनका गोबर उठाना है। अब तो जमीन किसान ने इतनी अनुपजाऊ बना ली है, जब तक गाय का गोबर नहीं पड़ेगा तब तक वो जमीन उपजाऊ नहीं होगी। गौशालाओं में गाय के गोबर की बुकिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा युग आ रहा है। अब ये मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, नेचुरल बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन भी बिक रहा है सर। अब देखिए, अब धन्यवाद, ऑनलाइन बिकेगा गाय का गोबर, उपलब्ध बिकते हैं। हाँ, दूसरा आपने कहा था कि जो जमीनें हैं जिन पे कब्जे कर रखे हैं उनको कब्जा मुक्त कराने के, किस तरह से, कहाँ कहाँ? हाँ देखिए, चुनाव में हम जब चुनाव के बीच थे तो गांव का आदमी कहता मंत्री जी योगी सरकार में विकास भव तो भव, लेकिन बाबा ने गुंडे ही कतई ख़त्म कर दी। तो हम कहते थे बाबा पे दो बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर सड़कें बनाने का है, एक बुलडोजर अपराधियों को कि सीने पर चलाने का है। तो वास्तव में अब अभी आपकी पहली मीटिंग में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा और उनसे एक आदेश जारी कराऊंगा 25 जिलों के जिला अधिकारियों को, जिन जिन जिलों में गौशालाओं की ज़मीनें हैं जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराकर गायों को हरा चारा बुवाएंगे, जिससे कोई कठिनाई चारे की नहीं रहेगी। देखिए, किसान तो इस बात में खुश हो जाएगा कि उसकी फसल संरक्षित हो जाए। मुआवजे की तो बात आप छोड़ दीजिए, अभी तो किसान कह रहा है साहब ये पशु ना रहे बेचे, इसमें किसान भी दोषी है। जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छुट्टा कर देता, अब जब दूध देती है तब तक बांधता है, इसमें हमारे किसान भी दोषी हैं, लेकिन हम उसको एक परंपरा बन गई है, तो इसलिए पहले किसान को भी हम सुरक्षित और संरक्षित करेंगे नंबर दो पर, और गायों को भी स्थान देने का काम करेंगे। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरे पास हज भी है, आप हज को जाना चाहें तो पास बनवा दूंगा। देखिए अब कैसी विडम्बना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी, दोनों विपरीत विभाग हैं। यानी गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी है। तो वास्तव में जो अल्पसंख्यक विभाग है इस पर बहुत ज़मीनें हैं, बफ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा के करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। तो बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नियत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे, मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता। मैं तो बंद कर मंत्री जी काफी टाइम से हम बंद नहीं है, तो राष्ट्रहित की बात करें। मंत्री जी एक मेरा सवाल ये है कि औला को काफी समय से जिला बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या उसके पक्षधर हैं आप? नहीं, आपने हमारे मन की बात कह दी, आज आप लोग कुछ नए वर्ष में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए औला की हम नई बात नहीं कर रहे हैं, महाभारत काल में औला राजधानी थी। महाभारत के दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अयक्षेत्र रामनगर थी, जो रामनगर औला विधानसभा में। एक समय ऐसा आया दोनों की राजधानी अयक्षेत्र रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से पहली सरकार में अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह 75 जिले हैं, अभी जरा शांत रह जाओ, आगे सरकार आएगी।
मुझसे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने जो पत्र दिया उसको उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है और यहाँ से नया जिला बनाने की रिपोर्ट भी चली गई है। मैं आपको इतिहास भूगोल बता दूँ, ये तो इतिहास रहा। औला जिले का भूगोल रहेगा रामगंगा से दक्षिण का भाग, हमारी जो रामगंगा बह रही है इससे दक्षिण का भाग रामपुर जिले की सावा तहसील का पार्ट, औला तहसील पूरा, कुछ दातागंज बनाएंगे, कुछ दातागंज विकास और अन्य विभाग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वास्तव में विधानसभा के चुनाव के समय और इससे पहले भी और आज भी उत्तर प्रदेश का किसान, सड़कों पर चलने वाला आमजन परेशान है, त्रस्त है, दोनों के सामने समस्या है। गायों के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए, और किसान के सामने समस्या है किसान अपने खेतों की रखवाली ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो हमने दोनों की समस्या का निराकरण करना का तय किया। आज विभाग के साथ इसकी मान्यताएं भी तय करेंगे। पहले हम गायों को संरक्षण करने का स्थान देंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनवाएंगे। इन गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखेंगे, इनको खूंटे से बांध कर रखेंगे और इनमें कुछ और अच्छी गाय, दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय भी पलवाएंगे, ताकि उनका, गाय के अंदर पांच द्रव्य हैं जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। पांच द्रव्य में नंबर एक दूध, नंबर दो दही, नंबर तीन घी, नंबर चार गोबर और नंबर पांच मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। घर अपवित्र होता है तो गौ का मूत्र ले आओ, छींटे लगा दो, कहीं ज़्यादा जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो वो गाय की पेशाब ले आओ, इसको छिड़क दो। तो ये पांच द्रव्य हैं, इन पांच द्रव्यों से हर गौशाला में हम ऐसे गौ उत्पादन का काम करेंगे ताकि उसके गोबर से, उसके मूत्र से, दूध से, दही से ये चीज़ें का निर्माण हो। हर गौशाला अपने आर्थिक संसाधन से चले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। गौशाला को कौन चलाएगा, किसके हैंडओवर रहेंगी जो हम गौशाला चलाने? किस तरीके गौशाला बनवाएंगे, आपने मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा की, किस तरीके का मॉडल होगा, कि क्या बेल्जियम मॉडल की तरह होगा, किस तरीके का मॉडल होगा, अयोध्या में बड़ी गौशाला बनाने का आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, बेल्जियम में दूध का विशेष स्थान है, उत्तर प्रदेश में हम बेल्जियम मॉडल को डेवलप करेंगे, हम भी जाने के प्रयास करेंगे, अधिकारियों को भेजेंगे। और अभी हमने यहाँ मीटिंग में आने से पहले अधिकारियों से कहा, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है, एक परिवार का जीवन चलेगा, तो बेल्जियम मॉडल और मुर्रा भैंस, दूध की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। आपने अच्छा प्रश्न किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बेल्जियम मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या में क्या बड़ी गौशाला बनाने का आपका प्लान है, जैसे कि आप मुख्यमंत्री से आपने कहा? अयोध्या में बड़ी गौशाला बनेगी, क्योंकि अयोध्या अब तो राम की राजधानी नहीं, दुनिया की राजधानी अयोध्या होने चली जा रही है। बहुत अच्छा है मंत्री जी, जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था भैया एक सेकंड चुप रहेंगे, आपने एक गौशाला बनाने की अयोध्या में बात की। मंत्री जी, आपने जब मेरी पहले आपसे डीएम साहब ने अमला बाबू के माध्यम से ये काम किया।